पिपलियाना तालाब को लेकर जिला न्यायालय के वकीलों द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इसी को लेकर वकील कई बार सांकेतिक हड़ताल सहित प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने वकीलों का साथ देते हुए कहा कि प्रकृति ने बता दिया है कि पिपलियाना तालाब की सीमा कहां तक है। प्रकृति भगवान से बड़ा कोई नहीं है, प्रकृति ने न्याय कर दिया है। प्रदेश सरकार ने डीएम को फिलहाल की स्थिति में सीमांकन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बारिश के चलते पिपलियाना तालाब उफान पर है और जहाँ कोर्ट परिसर के भवन का कार्य चल रहा है उसे भी अपनी जद में ले लिया है। इसी को लेकर जिला न्यायालय के वकीलों द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी दी गई है। वकीलों द्वारा लगातार पिपलियाना तालाब की जमीन पर जिला न्यायालय बनाए जाने का विरोध बीजेपी शासनकाल से किया जा रहा है। उस समय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा भी तालाब बचाने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। अब फिर जीतू पटवारी वकीलों के समर्थन में आए हैं और कहा है कि प्रकृति ने इंसाफ कर दिया है। देखना होगा कि पिपलियाना तालाब को लेकर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है। हालांकि पिपलियाना तालाब पर अभी भी न्यायालय भवन निर्माण का कार्य जारी है। पिपलियाना तालाब में प्रकृति ने बता दिया है कि तालाब की सीमा कहाँ कहाँ तक, ईश्वर ने बता दिया तालाब की सीमा कहाँ कहाँ तक। मैंने कलेक्टर को कहा सीमांकन करो, अभी पानी भरा है, उसके अनुसार आगे के निर्देश दिए गए। कोर्ट से, सम्मानित कोर्ट से अनुरोध है कि प्रकृति के न्याय के से बड़ा किसी देश का न्याय नहीं हो सकता। तो मैं अनुरोध करता हूँ प्रकृति के न्याय का सम्मान करें। अब आप क्या चाहेंगे? सरकार ने डीएम को निर्देश दिए सीमांकन।